इस वीडियो में जानेंगे कि पोको मोबाइल का हॉट स्पॉट दूसरे मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे कैसे ठीक किया जाता है तो अगर आपके पास पोको का मोबाइल है और आप अपने मोबाइल के डाटा को हॉट स्पॉट के ज़रिए दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आपका हॉटस्पॉट दूसरे मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो पोको मोबाइल का हॉट स्पॉट दूसरे मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना हॉट स्पॉट ओपन कर लेना है उसके लिए आपको अपने मोबाइल का जो स्लाइडर है ऊपर से नीचे की ओर लेना है और लाने के बाद यहाँ पर आपको हॉट स्पॉट मिलेगा तो आपको हॉट स्पॉट पर लॉन्ग प्रेस करना है लॉन्ग प्रेस करने के बाद हॉटस्पॉट का जो सेटिंग्स से है ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट पर कर क्लिक करके सबसे पहले आपका जो हॉटस्पॉट का जो भी नेम है सबसे पहले आपको उस नेम को चेंज कर लेना है आपको जो भी अलग से रखना चाहते हैं रख लीजिए और नेम चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड भी आपका जो भी पहले वाला पासवर्ड है आपको पासवर्ड को भी एक बार चेंज कर लेना है पासवर्ड और चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सिक्योरिटी में आप चाहे तो यहाँ पर अपना नॉन भी रख सकते हैं नहीं तो जैसा है वैसा है रहने दीजिए और आपको यहाँ पर सेलेक्ट ए पी बैंड मिलेगा तो आपको यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको टू पॉइंट फोर जी एच बैंड सेलेक्ट रहना चाहिए तो इतना सेटिंग करना है और इतना सेटिंग करने के बाद आपको ऊपर जो सही का निशान है आपको ओके कर देना है ओके कर देने के बाद आपको ओके okay, करने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या एक बार बंद करके फिर से ऑन कर लेना है उसके बाद आपका हॉटवर्ड जो है दूसरे मोबाइल में कनेक्ट होने लगेगा